आज से 5 साल पहले मैं आप ही की तरह एक बहुत ही ऑर्डिनरी सा स्टूडेंट था। मैं अपनी बहुत अच्छी लाइफ जी रहा था, बट बिल्कुल केयरलेस लाइफ थी। आराम से 12-1 बजे उठना, उसके बाद घर वालों के साथ शरारत करना, मम्मी को परेशान करना, मम्मी के साथ शरारत करना, पापा के साथ पूरा दिन टीवी देखना, क्रिकेट देखना, मैचेस देखना, मतलब इंजॉय करना लाइफ को। और जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स इस वीडियो को देख रहे होंगे, उन स्टूडेंट्स की तरह पूरा दिन रोम अराउंड करना, ट्यूशन लेट जाना, पार्क में घूमना, और स्टूडेंट्स की तरह दोस्तों के साथ अपना टाइम पास करना, कभी फ़ोन पे गेम खेलना, कभी फ़ोन पे हंसते रहना। तो मैं उस टाइम पे सोचता था कि क्यों ना कुछ बिजनेस करा जाए। मैं अपने कज़न के साथ, अपने भाई के साथ ये सोचता रहता था पूरा दिन कि क्या बिजनेस करें। और सडनली एक दिन हम अपने एक नेबर को देखते हैं, उन्हें ऑब्जर्व करते हैं कि वो बहुत अच्छा लाइफस्टाइल जी रहे हैं, कंटिन्यूसली अच्छी कार्स ड्राइव कर रहे हैं। तो उस मोमेंट पे हम सोचते हैं कि ये ऐसा करते क्या है। तो हमने एक दिन डिसीजन बनाया कि उनसे पूछते हैं। उन्होंने हमें एक बहुत ही सुंदर प्लेटफॉर्म से इंट्रोड्यूस किया, जिस प्लेटफॉर्म का नाम है फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स। और उसी टाइम हमने फॉरएवर स्टार्ट करने का डिसीजन लिया एंड वी स्टार्टेड। अचानक से ही फॉरएवर की लाइफ में ही आते बहुत सारे चेंजेस होने लगे। मेरा लेजी वर्जन एक रिस्पॉन्सिबल वर्जन में बदल गया। जो लड़का 12-1 बजे उठता था, वो सुबह टाइम से 9-10 बजे उठने लगा, सुबह सुबह उठ के लर्निंग्स करने लगा। उसके साथ साथ मैंने ये सोचा कि क्यों ना इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करा जाए, मेट्रो में जाया जाए, मेट्रो में जाके लोगों से बात करी जाए। ऐसा नहीं था, सब सुनते थे उस टाइम पे, बहुत लोगों ने मना किया, लोगों ने इग्नोर मानना स्टार्ट किया। लेकिन मेरे को पता था कि एक ना एक दिन मेरी यही रिजेक्शंस पॉजिटिव आउटकम्स में कन्वर्ट होंगी। धीरे धीरे टीम बिल्ड होना स्टार्ट हुई, धीरे धीरे लेवल्स होना स्टार्ट हुए। और इस जर्नी को मैंने स्टार्टिंग से ही बहुत तेज़ी से इस चीज़ में लेवल्स अचीव करने के लिए पुश किया, क्योंकि मेरे को पता था जितनी जल्दी मैं फॉरएवर में लेवल्स अचीव करता जाऊँगा, उतनी जल्दी मेरे लिए फॉरएवर ईजी होता जाएगा। और उसी के साथ साथ एक 18 साल के बच्चे का मात्र 6 महीने में फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स में मैनेजर लेवल, जो बहुत सारे लोगों का ड्रीम लेवल होता है, वो अचीव हुआ। तो हमने उस टाइम पे एक कम्युनिटी फॉर्म करी कि अगर आप इतना बिजनेस बिल्ड करते हो, ये चीज़ें अचीव करते हो, तो हम आपको अपनी पर्सनल पार्टीज में इनवाइट करेंगे। बहुत तरीके की हमने पार्टीज रखी उस टाइम पे। फ्लो में हम चलते गए और मेरा एक बहुत मेजर कार्बलन लेवल 3 और सोरिंग मैनेजर क्वालिफाई हुआ। और उस खुशी को एकदम से पैंडेमिक ने डिसरप्ट कर दिया। सारे बिजनेसेस बंद हो गए, एकदम से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉकडाउन इंट्रोड्यूस किया। और जैसे ही लॉकडाउन इंट्रोड्यूस हुआ, मुझे ऐसा लगा कि अब हमारे बिजनेस में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आने वाली है। हमने अपना सारा बिजनेस ऑनलाइन सेगमेंट पे शिफ्ट किया, वेबिनार्स डिज़ाइन किए, वेबिनार्स करना स्टार्ट किया। और क्या हुआ, जहाँ ऑफलाइन ज़माने में 100 लोगों की मीटिंग होती थी, 200 लोगों की मीटिंग होती थी, बट वही मीटिंग 200 से 1000 लोगों की मीटिंग में बदल गई। आई स्टिल रिमेम्बर, ऑनलाइन बिजनेस की वजह से ही मैंने लाइफ में पहली बार 7 फिगर्स मंथली इनकम को हिट किया था। और वो दिन है और आज का दिन है कि उस टाइम पे मैंने डिसीजन लिया कि मैं फिर से एक और ऑफिस ओपन करता हूँ, जिसपे मैं लोगों को बुला सकूँ, उन्हें एक एनवायरमेंट दे सकूँ। जब मैं लाइफ में इतनी आगे बढ़ चुका हूँ, मेरी इनकम इतनी ग्रो हो चुकी है, तो क्यों ना मैं अपने लिए भी कुछ करूँ। तो उस टाइम पे मैंने अपने आप को एक रेंज रोवर एज अ प्री बर्थडे गिफ्ट दी, जो मेरे को एक, मतलब शुरू से कहते हैं ना ड्रीम, वो मेरी ड्रीम कार थी। और मैंने सोचा कि अब अपने ड्रीम को भी पूरा करने की बारी आ चुकी है। इन सारी अचीवमेंट्स को रियलाइज करते करते मुझे पता भी नहीं लगा कि कब मैंने फॉरएवर में एक बहुत प्रेस्टीजियस लेवल और बहुत यंग एज में यंगेस्ट डायमंड सफायर मैनेजर का लेवल अचीव किया। आई एम वेरी प्राउड टू अनाउंस, आई एम वेरी प्राउड टू से दैट आई हैव क्वालिफाइड फॉर GLT एंड आई एम द ओनली एंड यंगेस्ट GLT इन SLP इंडिया राइट नाउ। और ये एक मैसेज आप लोगों के लिए भी है कि अगर मैं कर सकता हूँ तो आप सब भी कर सकते हो, अगर मैंने इस जर्नी को जिया है तो आप सब भी ये जर्नी जी सकते हो।
I believe in changing lives. I am Krishna. I am forever. All right, everybody. I'm sure हम में से जितने लोग आज इस सेशन को देख रहे होंगे वो इस वीडियो को देख के बहुत इंस्पायर हुए होंगे. वेल, देर इज अ रीजन टू गेट इंस्पायर्ड बिकॉज जिनको आपने इस वीडियो में देखा इनको हम सब जानते हैं एज अ यंग अचीवर इन फॉरएवर. इन्होंने इस बिजनेस की शुरुआत मई 2017 में की थी. सितंबर में बने ये सुपरवाइजर, नवंबर 2017 में ये बने मैनेजर, ER1 के लिए क्वालिफाई किया इन अक्टूबर 18, सीनियर मैनेजर बने इन जून 19, ER2 के लिए क्वालिफाई किया इन सितंबर 19, ER3 के लिए क्वालिफाई किया इन फरवरी 20, सोरिंग मैनेजर बने इन फरवरी 20, सफायर मैनेजर बने इन सितंबर 20, एंड हार नहीं मानी इन्होंने, लॉकडाउन और नो लॉकडाउन ही मेड द मोस्ट ऑफ इट. वेल, हम बहुत प्राइड के साथ कहते हैं दैट ही इज आवर फर्स्ट GLT मेंबर फ्रॉम इंडिया, आवर डायमंड सफायर मैनेजर. प्लीज वेलकम मिस्टर कृष्णा अरोरा. अ वेरी वार्म वेलकम टू यू कृष्णा. थैंक यू वेरी मच मैम. हम लोगों को ज्वाइन करने के लिए और हमारे ऑडियंस को इंस्पायर करने के लिए, उनको अपने सीक्रेट्स ऑफ ऑनलाइन सक्सेस शेयर करने के लिए. वेल, हम सब जानते हैं और कृष्णा ने बहुत बार हम लोग के साथ शेयर भी किया है दैट इन्होंने आई थिंक लॉकडाउन के टाइम पर हार नहीं मानी, एक ग्रोइंग बिजनेस को ब्रेक नहीं लगने दिया, रादर उसको फ्यूअल किया ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ लॉकडाउन बाय चूजिंग द ऑनलाइन वे ऑफ बिजनेस. तो कृष्णा, मेरा आपसे सबसे पहला सवाल यही है जो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को अगर हम देखें तो ये 30 इयर्स से करीबन एग्जिस्ट कर रही है इन इंडिया, एंड ये एक ऐसी इंडस्ट्री है जो जानी जाती है और डिफ्रेंशिएट की जाती है एज एन इंडस्ट्री जहाँ पे आप एक पर्सनलाइज्ड टच ऑफर करते हो लोगों को, आप लोगों की जरूरत के हिसाब से उनको प्रोडक्ट या अपॉर्चुनिटी को रेकमेंड करते हो. सो एक 1-to-1 इंटरेक्शन, एक पर्सनल इंटरेक्शन इस इंडस्ट्री का की USP रहा है. लेकिन जब लॉकडाउन आया था तो वो पर्सनल इंटरेक्शन वाज मिसिंग, एंड बहुत सारे लोग ऐसे थे जिन्होंने थोड़ा सा बैक सीट लिया, बहुत सारे लोग ऐसे थे जिन्होंने ऑनलाइन माध्यम से इस बिजनेस को आगे बढ़ाने का सोचा, एंड यू वर आल्सो अमंग देम. तो मैं सबसे पहले आपसे पूछना चाहती हूँ कि एक ऐसी इंडस्ट्री जो सालों से, मोर देन 2 decades से 1-to-1 में विश्वास करती है, क्या आपको डर नहीं लगा था ऑनलाइन माध्यम को चूज करने में? और ये सवाल मैं कृष्णा आपसे इसलिए पूछ रही हूँ बिकॉज हमारे बहुत सारे ऐसे ऑडियंसेस हैं और FBOs हैं जो थोड़ा सा हिचकिचाते हैं एंड डरते हैं ऑन चूजिंग ऑनलाइन. सो क्या आप हम सबके साथ शेयर करेंगे कि आप भी बहुत स्केप्टिकल हुए थे ऑनलाइन चूज करने में, एंड हाउ डिड यू गो अबाउट इट? बिल्कुल मैम, बिल्कुल मैं शेयर करूंगा. जब मैं इस इंडस्ट्री में आया था, मैं उस पॉइंट से शेयर करता हूँ, तब मैंने भी यही देखा था कि ज्यादातर सारा बिजनेस ऑफलाइन ही होता था, ऑनलाइन तो बिजनेस एग्जिस्ट ही नहीं करता था. कोई भी नेटवर्क मार्केटिंग में ऑनलाइन बिजनेस को ज्यादा सोचता नहीं था, बट देर वर फ्यू पीपल इंटरनेशनली जो सोशल मीडिया पे काफी एक्टिव थे, उन्हें हम ट्रेनर कहें या रिक्रूटर कहें, कुछ भी कह लें, चाहे वो किसी और ऑर्गेनाइजेशन के हो, बट दे वर एक्टिव ऑन सोशल मीडिया. तो जब लॉकडाउन नहीं था, उससे पहले भी मैं जब अपना बिजनेस कर रहा था, जैसे आपने बोला, मैं लॉकडाउन से पहले सोरिंग मैनेजर बन चुका था, कारप्लान 3 कर चुका था, तो उस टाइम पे भी जो मेरा मेजर बिजनेस था वो 1-to-1 इंटरेक्शन के बेस पे ऑफलाइन मिलना तो था, बट द होल सोल एस्पेक्ट बिहाइंड दैट बिजनेस वॉज ऑनलाइन. मैं शुरू से जब इस इंडस्ट्री में आया हूं, मैं यही देखता था कि जो यूथ है, मेरे को उनको बिजनेस में लाना है. मैं अगर अपने से बड़े को किसी को बिजनेस में लाने के लिए बोलूंगा ना, तो उनके दिमाग में यही आएगा, ये छोटा सा बच्चा मुझे क्या सिखाएगा. एंड ऑल दो उस टाइम पे तो मेरे पास कोई अचीवमेंट्स भी नहीं थी, तो फॉर श्योर आना ही था ये दिमाग में, तो मैं अपनी एज के लोगों को इस बिजनेस से इंट्रोड्यूस कर सकता था. अब मेरे पास सबसे ज्यादा जो अपनी एज के लोग थे वो अवेलेबल थे फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, मेनली सोशल मीडिया पे. तो उस टाइम पे व्हाट आई स्टार्टेड कि हम सोशल मीडिया पे प्रोफाइल ब्रांडिंग पे काम करते हैं, लोगों को रीच आउट करने की कोशिश करते हैं, तो उन लोगों को हम मिलने बुलाएंगे. तब हमने कभी ये नहीं सोचा था कि लॉकडाउन आएगा और हम मिल भी नहीं पाएंगे,
तब हम ऑनलाइन लोगों से बात करके फिजिकली मिलते थे, दिल्ली आरडीओ में मिलते थे फॉरएवर के, उनको फॉरएवर की ट्रेनिंग्स अटेंड कराते थे एंड द बिजनेस वाज रनिंग स्मूथली। बट सडनली जैसे आपने बताया लॉकडाउन आया, ऐसा नहीं है कि मेरा लॉकडाउन आते ही बिजनेस बढ़ गया था। जिस मंथ लॉकडाउन आया था मेरा बिजनेस उस महीने हाफ हो गया था, क्योंकि एकदम से मंथ एंड पे आपको याद होगा 2022 के आसपास पहला लॉकडाउन इंट्रोड्यूस हुआ था और 20 या 21 डेट थी मार्च की। तो अब मंथ एंड पे सारा बिजनेस डिपेंड होता था क्योंकि ऑफलाइन में लोगों को ऑफिस आके बिलिंग्स करनी होती थी। तो हम पर्टिकुलरली यही सोच के चलते थे कि पहले पूरे महीने काम करते हैं फिर एंड में बिलिंग्स करवाएंगे। बट जैसे ही लॉकडाउन आ गया ऑफलाइन ऑफिस जा नहीं सकते थे तो बिजनेस डाउन हो गया। उस महीने डाउन रहा, अगले महीने भी कंपनी से चेयरमैन बोनस आना था और बहुत सारी इनकम्स आनी थी, रैली कैंसिल हुई थी उसकी कंपनसेशन अमाउंट आनी थी, तो पैसा इतना सारा आना था दिमाग में नहीं आया कि बिजनेस बढ़ना भी है। बट जब ये रियलाइज हुआ कि मंथली इनकम काफी कम हो चुकी है और उसको इंक्रीज करना है, तब हमने जस्ट दैट मोमेंट पे सोचा कि क्यों ना एक बारी टीम मीटिंग जूम पे करते हैं। जैसे आज ये वेबिनार हम जूम के थ्रू लोगों तक पहुंचा रहे हैं, तब तो ये सब नहीं होता था। तो हमने पहली बार सोचा कि जूम पे एक टीम मीटिंग करते हैं। और उस टाइम पे मैंने एक पावर रियलाइज करी ऑनलाइन की कि जहां पे मेरे को एक टीम मीटिंग फिजिकली रखने में हजारों रुपए लाखों रुपए खर्चने पड़ते थे, सबको बुलाना पड़ता था और दिल्ली से बाहर के लोग आ नहीं पाते थे, जूम की वजह से या वेबिनार्स की वजह से हमने लॉकडाउन में एक टीम मीटिंग करी जिसमें हमारी टीम मीटिंग में 1,000 से ज्यादा लोग आए। तो मेरे को ये रियलाइज हुआ कि जब हमारी टीम पूरे इंडिया से कहीं से भी बैठे बैठे आ सकती है खाली एक लैपटॉप के थ्रू, तो जिन लोगों को हमने काम दिखाना है वो भी तो इस सिस्टम पे आ सकते हैं। और हमें ये पावर तो पता ही थी कि हम ऑनलाइन प्रोस्पेक्टिंग बहुत अच्छे से कर सकते हैं। बस हमने लॉकडाउन की वजह से सफर क्या किया था कि हम लोगों से मिल नहीं पा रहे, हम लोगों को जिनको काम समझा सकते हैं उनको समझा नहीं पा रहे। दैट टाइम हिट एंड ट्रायल था, हमने ट्राई किया कि चलो जो फॉरएवर की बीओपीपी ट्रेनिंग हम आज तक ऑफलाइन करते आए वो एक बार ऑनलाइन करके देख लेते हैं। एंड हमने अपनी टीम्स को बोला कि जितने ज्यादा लोगों को आप चाहते हो कि वो ऑनलाइन बिजनेस करे, आप प्रोस्पेक्ट करना चाहते हो करो। उस टाइम पे सबसे बढ़िया बात ये थी पूरा इंडिया फ्री था, उनके पास कुछ था नहीं करने के लिए, स्कूल बंद, कॉलेजेस बंद, जॉब्स बंद, सब घर पे थे। तो वर्क फ्रॉम होम सबका करने का मन था कि चलो साइड इनकम कुछ मिल जाए। हमने भी यही बोला आप अगर इस काम को समझते हो तो देर माइट बी पॉसिबिलिटी कि आप साइड इनकम कर सकते हो। और मेरे को मैम आज भी याद है जहां मैं फिजिकल ओरिएंटेशंस जब करता था तब हमारी ओरिएंटेशन में 200 या 300 लोग आते थे मैक्सिमम। महीने में हम 4 ओरिएंटेशन करते थे हर सैटरडे को, और हर सैटरडे को हम 200 या 300 लोगों को काम दिखाते थे। मतलब आर मैक्सिमम रीच वॉज 1200 पीपल, हम 1200 लोगों को महीने में काम दिखा पाते थे ऑफलाइन। बट जब हमने पहला वेबिनार किया, पहले वेबिनार में हमारे प्रोस्पेक्ट 1000 थे, हमने अगले सैटरडे का इंतजार नहीं किया, हमने नेक्स्ट 2 डेज बाद ही किया। मेरे को आज भी याद है इट वॉज मंथ ऑफ मे जब मैंने ऑनलाइन वेबिनार्स पे रिलाई करना स्टार्ट किया था, एंड दैट वॉज द मंथ जिस महीने हमने 15,000 लोगों को पूरे इंडिया से प्रोस्पेक्ट किया था। वाओ एंड दैट वॉज माई मंथ ऑफ फॉरएवर, जिस महीने मेरे को नहीं पता था कि अकाउंट में 7 फिगर्स आते हुए कैसी लगती हैं, और उस महीने अकाउंट में 7 फिगर्स आई थी। क्यों? क्योंकि ये रियलाइज हो गया था कि बल्क प्रोस्पेक्टिंग हो रही है। हम हमेशा से शुरू से फॉरएवर की ट्रेनिंग्स में सीखते आ रहे हैं इफ यू लैक इन स्किल्स प्ले इन नंबर्स, सबसे इंपॉर्टेंट है ज्यादा लोगों तक रीच आउट करना क्योंकि एवरेज तो निकलेगी निकलेगी। तो ऑनलाइन सिस्टम ने ना सबसे ज्यादा आसान इस चीज को किया। पहले तो हमें लगा था जैसे आपने पूछा कि क्या आप भी स्केप्टिकल थे, पहले तो लगा ही था, डाउट तो होता ही है। मैंने बोला हिट एंड ट्रायल था, ट्राई किया एंड दैट वेंट इन आर फेवर, और फेवर में गया तो उसके बाद हमने उन्हीं चीजों को इम्प्रोवाइज करते 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 अब कभी हार नहीं मानी और आज आपके सामने। वाह वेरी नाइस कृष्णा, जब हम फोकस को डिफाइन करते हैं ना, तो हम देर इज अ सेइंग जो आपने भी सुनी होगी दैट फॉलो वन कोर्स अंटिल सक्सेस, राइट? सो आई थिंक आपने ट्रूली लिव अप किया है उस चीज को लेके, सो वंडरफुल एंड वेरी वेरी इंस्पायरिंग आई एम श्योर फॉर एवरीबडी। कृष्णा, मेरा आपसे अगला सवाल पिछले सवाल से लिंक्ड अप है, और मैं आपसे पूछना चाहूंगी दैट जब हम ऑफलाइन लोगों को अप्रोच करते हैं तो हम 1-to-1 मिलते हैं, हमें किसी से कोई रेफरेंस मिलना होता है या कोई हमारा जानकार होता है, या हमें कहीं से लीड मिलती है, हम उससे अपॉइंटमेंट लेते हैं, किसी के थ्रू अपॉइंटमेंट बुक कराते हैं और हम उसको जाके मिलते हैं। पर जब हम ऑनलाइन बिजनेस करते हैं तो हम अप्रोच कैसे करते हैं? आई एम श्योर बहुत सारे लोग हैं जो आपसे ये सवाल पूछना चाहेंगे, हाउ डू यू अप्रोच पीपल ऑनलाइन?
और उससे ज्यादा जरूरी है हाउ डू यू आइडेंटिफाई दोज पीपल। जैसे आपने कहा कि आपने अपने एज ग्रुप के लोगों को आइडेंटिफाई किया बिकॉज आपको लगा वो आपके साथ रिलेट कर पाएंगे, तो हम किस तरीके से लोगों को आइडेंटिफाई करते हैं ऑनलाइन, हम किस तरीके से उनको अप्रोच करते हैं? दीज आर टू वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विच आई एम श्योर हमारे बहुत सारे यहाँ पे जो ऑडियंसेस हैं जो हमें देख रहे हैं वो आपसे जानना चाहेंगे। बिल्कुल। देखो मैम, इसमें ना दो सिनेरियो हैं। पहला, एक तो आज का कृष्णा अरोड़ा क्या करता है। आज मेरे इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे दो दो ढाई ढाई लाख फॉलोअर्स हैं, तो मेरे को नहीं लगता कि मैं अगर अपना आज का प्रोसेस बताऊंगा तो दैट विल बी बेनिफिशियल फॉर एनी वन ऑफ द ऑडियंस। किसी के लिए भी बेनिफिशियल नहीं होगा, नॉट इवन माई टीम। मैं अपनी टीम में भी ये चीज नहीं सिखाता, क्योंकि आज मेरे पास एक मैग्नेट है कि मेरे पास अचीवमेंट्स हैं, सब कुछ है, लोग मेरे पास अपने आप आते हैं। बट द टाइम वी वर नथिंग, हम बेसिक लेवल पे थे और हमारी टीम बेसिक लेवल पे थी। उस टाइम पे जो प्रोस्पेक्टिंग का तरीका था, या जो आज हमारी टीम प्रोस्पेक्टिंग का तरीका फॉलो करती है, दैट इज वेरी सिंपल। आप लोगों को जो लोगों है वो ऑटोमेटिक है, आपने कुछ नहीं करना। आपने अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पे ये दिखाना है कि आप किसी की हेल्प कर सकते हो। ऑटोमेटिकली वो लोग आपको अप्रोच करेंगे जो हेल्प की नीड सीक कर रहे हैं। हम हमेशा एक गलती करते हैं, जब ज्यादातर लोग सोशल मीडिया पे बिजनेस करते हैं, वो दिखाते हैं जो वो दिखाना चाहते हैं, लेकिन हमें वो दिखाना है जो लोग देखना चाहते हैं। अगर आपको 50 लोग भी फॉलो करते हैं ना, 50 में से आई एम श्योर 5 लोग ऐसे होंगे जो ऑनलाइन बिजनेस करना चाहते होंगे। आप उन्हें रोज ये दिखा रहे हो कि आप ऑनलाइन बिजनेस कर रहे हो, तो उन्हें कैसे पता लगेगा कि वो आपके साथ कर सकते हैं। आप रेदर उन्हें ये दिखाओ कि हमारे पास ओपन है कि आप भी हमारे बिजनेस का पार्ट बन सकते हो, यू जस्ट हैव टू अंडरस्टैंड द बिजनेस, तो वो आपको अप्रोच करेंगे। हमेशा नेटवर्क मार्केटिंग में मेरी फिलॉसफी ये रही है, अगर आप किसी को अप्रोच कर रहे हो तो वो प्रोस्पेक्ट आपको हमेशा हल्के मिलेगा। वो हमेशा ये सोचेगा कि आपकी कोई वेटेज नहीं है, क्योंकि आपने उसको प्रोस्पेक्ट किया है, आपकी नीड है उसको काम कराना। बट जब प्रोस्पेक्ट आपको अप्रोच कर रहा है ना, तो वो आपको सर भी बोलेगा, वो आपकी सारी बात भी सुनेगा और वो आपको वेटेज भी देगा। तो हमेशा ये ट्राई करना ऑनलाइन बिजनेस में, दैट पीपल अप्रोचेस यू। चाहे आपको उसके लिए एड्स चलानी पड़े, एड चला के बंदों तक रीच करोगे आप, लेकिन मैसेज वही करेंगे आपको। चाहे आपको उसके लिए ब्रांडिंग पे काम करना पड़े, आप अपने ज्यादा से ज्यादा रील्स डाल सकते हो, ऐसे स्टोरीज डाल सकते हो जो लोगों तक रीच आउट करे। और उसके अलावा रही बात इंट्रोडक्शन की, और जैसे आपने बोला कि पहले 1-to-1 मिलना होता था, अब 1-to-1 हम ऑनलाइन में मिलते हैं या नहीं मिलते, इसको भी मैं दो चीज में सेग्रीगेट करूंगा। पहला होता है बिजनेस से इंट्रोड्यूस करना। इंट्रोड्यूस ऑनलाइन बिजनेस में बल्क में करा जाता है। आप फॉरएवर से इंट्रोड्यूस कर रहे हो सेशंस में, हम लोगों को ये बोलते हैं कि आप जितनी कॉलिंग कर सकते हो करो, जितने लोगों को काम दिखा सकते हो दिखाओ, इंट्रोडक्शन में कोई 1-to-1 नहीं है। बट फॉलो अप और क्लोजिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेगमेंट ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग, दैट ऑलवेज रिक्वायर 1-to-1 अटेंशन, वेदर इट इज ऑन कॉल, वेदर इट इज ऑन वीडियो कॉल, वेदर इट इज ऑन जूम कॉल। जो मेरी टीम फॉलो करती है, मैं सबको यही गाइड करता हूं। मैंने कई बार वेबिनार्स में, ओपन ट्रेनिंग्स में भी बोला है, अभी भी मैं ऑफिस में हूं, मैं बाहर जाऊंगा, मैं लोगों को देखूंगा ना, तो वो वीडियो कॉल पे होंगे, क्योंकि आज वो फॉलो अप कर रहे हैं लोगों का। तो फॉलो अप के लिए, क्लोजिंग के लिए हमेशा 1-to-1 अटेंशन रिक्वायर्ड है ही, चाहे वो ऑफलाइन हो चाहे वो ऑनलाइन हो, क्योंकि किसी ने आपके साथ बिजनेस करना है, वो आपको देखेगा, ट्रस्ट करेगा, तभी तो बिजनेस करेगा। बट पहले दिन जब इंट्रोड्यूस करना होता है आप लोगों को बिजनेस से, आपने बीओपी भी दिखानी है, ओरिएंटेशन दिखानी है, उस टाइम पे मेरे अकॉर्डिंग 1-to-1 अटेंशन रिक्वायर्ड नहीं होती। आप जितने ज्यादा लोगों से रीच आउट कर सकते हो उतने ज्यादा लोगों से रीच आउट करो, जितनी ज्यादा मैक्सिमम इन्विटेशंस कर सकते हो उतनी ज्यादा मैक्सिमम इन्विटेशंस करो। राइट, थैंक्स कृष्णा। आई थिंक मेरे हिसाब से जो मैं आपकी बात से समझ पाई हूँ कि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपने सोशल मीडिया हैंडल्स को इतना इंस्पायरिंग रखें लोगों के लिए और इतने एस्पिरेशनल रखें लोगों के लिए कि लोग आपको अप्रोच करें। एम आई करेक्ट? बिल्कुल बिल्कुल, 100% करेक्ट। राइट, सो आई थिंक दिस इज अ ग्रेट लर्निंग एंड आई ऑल्सो फील कंसिस्टेंसी इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। आप कंसिस्टेंट रहे अपने एफर्ट में, जो कि आप हमेशा रहते हैं। आप अग्री करेंगे कृष्णा इस बात से? और यू हैव अ बिल्कुल डिफरेंस? ओके, ऑल राइट। अब मैं आपसे एक चीज और पूछना चाहती हूँ, वो ये है कि जब आप किसी को प्रोस्पेक्ट करते हो ऑनलाइन में, तो क्या कॉमन ऑब्जेक्शंस होते हैं जो ऑनलाइन में आप फेस करते हो एंड हाउ डू यू हैंडल दोज ऑब्जेक्शंस? आप कैसे गाइड करोगे हमारे ऑडियंस को कि
किस तरीके के, मैं टॉप थ्री अगर कॉमन ऑब्जेक्शंस के, ऑब्जेक्शंस तो किसी टाइप के भी हो सकते हैं, पर अगर हम टॉप थ्री ऑब्जेक्शंस के बारे में बात करें जो आप ऑनलाइन फेस कर सकते हो, एंड हाउ डू यू हैंडल दोज ऑब्जेक्शंस, इट कैन बी क्वेश्चंस और इट कैन बी ऑब्जेक्शंस, व्हाटएवर। बिल्कुल 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 मैम, मैं बिल्कुल आंसर देना चाहूंगा, और मैं ये आंसर भी एज अ टीम ओरिएंटेड आंसर ही दूंगा कि कॉमन ऑब्जेक्शंस पूरी टीम क्या फेस करती है। क्योंकि अगर मैं आज मैम प्रोस्पेक्टिंग करने जाऊंगा, मैं एक स्टोरी डालूंगा इंस्टाग्राम पे कि आप मेरे साथ बिजनेस करना चाहते हो, तो देर आर थाउजेंड्स ऑफ पीपल जो इंटरेस्टेड होंगे, जो कहीं ना कहीं मेरे को बहुत टाइम से फॉलो करके बैठे हैं और वो चाहते हैं बिजनेस करना, तो मेरे को तो फिल्टर्ड लोग ही मिल जाते हैं प्रोस्पेक्ट होने के लिए। वो अपने आप ही, मैं उन्हें बोलता हूँ कि आपने स्टार्ट करना है, मैं फॉरएवर की वीडियो दिखाता हूँ, दे स्टार्ट। बहुत कम लोग मेरे को पर्सनली ऑब्जेक्ट करते हैं आज के टाइम पे, रीजन इज माय प्रोफाइल एंड अचीवमेंट्स, और कोई रीजन नहीं है। बट थोड़े टाइम पहले की बात करूं, या जो मैं अपनी टीम को फेस करते हुए देखता हूँ ऑब्जेक्शंस, या मैं कई बार टीम बन के भी लोगों को सिखा रहा होता हूँ, तब जो ऑब्जेक्शंस की बात आती है, सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे टफ ऑब्जेक्शन जो होती है ना, सामने वाले बंदा ट्रस्ट नहीं करता। क्योंकि आप ऑनलाइन हो, आप उससे कभी मिले नहीं हो, आपको उसने इंस्टाग्राम पे देखा है, आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ, इंस्टाग्राम पे कई लोगों की भी फेक प्रोफाइल बन सकती है, तो वो उसको जेन्युइनिटी बिलीव नहीं होती। तो जब भी किसी की बात होती है, तो सबसे पहला ट्रस्ट फैक्टर ही बिल्ड नहीं हो रहा होता, उसके दिमाग में डाउट होता है सामने वाले प्रोस्पेक्ट में। यहाँ पे भी जो ज्यादातर आज ऑडियंस इस इंटरव्यू को देख रही है, वो भी यही सोच रही होंगी कि हाँ, जब हम प्रोस्पेक्ट करते हैं तो सामने वाला बंदा ट्रस्ट नहीं कर पा रहा होता। और ट्रस्ट कराने के लिए, ट्रस्ट दिलाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है शो योर सेल्फ टू देम। हम ट्रस्ट इसलिए नहीं दिलवा पाते क्योंकि हम कॉल पे हैं। कभी भी आप देखोगे, कभी भी आप सुनोगे जो न्यूज़ आती हैं कि ये ओटीपी स्कैम हुआ, ये ऑनलाइन स्कैम हुआ, उस स्कैम से लोग डर चुके हैं। इतने स्कैम्स हुए हैं मार्केट में जिससे लोग डर चुके हैं, तो लोग कैसे मान ले कि आप एक ऑनलाइन बिजनेस लेके आ रहे हो वो सही है? वो तब मानेंगे जब आप उन्हें अपने आप को दिखाओगे। मैं हमेशा अपनी टीम को भी गाइड करता हूं, और आज आप लोगों को भी यही बोलूंगा, जब भी आपके किसी प्रोस्पेक्ट से बात हो और आपको लग रहा हो वो डाउट में है, वो काम नहीं समझ पा रहा, या समझ रहा है बट वो ट्रस्ट नहीं कर पा रहा, आस्क हिम आउट फॉर वीडियो कॉल। हम सबके फोन में कैमरा है, हम सबके फोन से वीडियो कॉल पॉसिबल है। एक बार आप वीडियो कॉल करोगे, आपका कनेक्शन बिल्ड होगा। दूसरी चीज सबसे इंपॉर्टेंट होती है रिलेशन बिल्डिंग। आप लोगों को कभी भी ऑब्जेक्ट मत करो। हम हमेशा बोलते हैं यू शुड लिसन, आप लोगों को सुनना ज्यादा है बोलना कम है। क्योंकि सामने वाले बंदे को आपसे बात करना तो अच्छा तभी लगेगा ना, जब आप उस पर कुछ इम्पोज नहीं करोगे। अब जैसे मैं तो अपनी टीम में कई बार ये भी एग्जांपल देता हूँ रिलेशन बिल्डिंग के लिए, कि अगर आपका कोई प्रोस्पेक्ट ये बोल रहा है, फॉर एन एग्जाम्पल मेरा नाम कृष्ण है, अगर मेरे को कोई प्रोस्पेक्ट ये बोल रहा है ना, हेलो राहुल क्या हाल है, तो मैं उसे काट के ये नहीं बोलूंगा कि मेरा नाम कृष्ण है, मैं उसे बोलूंगा हाँ जी मेरा हाल बढ़िया है, आप बताओ कैसे हो। फिर मैं बोलूंगा बाय द वे आप मेरा नाम गलत दे रहे थे, मैं कृष्णा बोल रहा हूँ। क्योंकि अगर मैं उसे उस टाइम पे क्रॉस कर दूंगा उसकी बात को, तो उसका सबकॉन्शियस माइंड कहेगा कि ये तो मेरे अगेंस्ट है। क्योंकि वो सबकॉन्शियस माइंड हमारे कंट्रोल में नहीं है, वो उसी के कंट्रोल, वो ऑटोमेटिक है, तो वो हमारे को डिफेंसिव मोड में ले आएगा, हमारे प्रोस्पेक्ट को डिफेंसिव मोड में ले आएगा। तो इसलिए जो भी आपको ऑब्जेक्शन लगती है, आपने उस ऑब्जेक्शन को बहुत कामली हैंडल करना है। एक कॉमन ऑब्जेक्शन हमारी एज के लोग बहुत ज्यादा फेस करते हैं, जब भी आप हमारी एज के लोगों को प्रोस्पेक्ट करते हो, हमारी एज से मतलब 18 to 24, हमारी एज 18 to 24 जो एज है ना, वो मैम पेरेंट्स पे डिपेंडेंट है, वो इंडिपेंडेंट एज नहीं है कि वो खुद से कुछ कर सके। तो जब भी कोई प्रोस्पेक्ट काम समझता है, वो इंटरेस्टेड होता है, ट्रस्ट बिल्ड हो चुका है, लास्ट में एक ऑब्जेक्शन जरूर आती है, मेरे पापा मना कर दे, मेरी मम्मी मना कर रही है, मेरे पेरेंट्स नहीं मान रहे, मैं सर बिलिंग कैसे करूं जब तक मेरे पापा मेरे को पैसे नहीं देंगे, मैं प्रोडक्ट्स लेने में इंटरेस्टेड हूं बट पापा पैसे नहीं दे रहे। ये ऑब्जेक्शन बहुत कॉमन है, बहुत कॉमन। और इस ऑब्जेक्शन का सबसे सबसे इजी तरीका पता है क्या है? राइट अप्रोच। अभी तक हमारी राइट अप्रोच नहीं थी, हमने अपने प्रोस्पेक्ट को इनकम और लाइफस्टाइल पे इतना फोकस करवाया होता है कि वो अपने पापा मम्मी को जाके बोल रहा होता है कि मैंने ये काम समझा, मैं ये पैसा कमाऊंगा, मैं ये लाइफस्टाइल करूंगा, मैं ऐसा बन जाऊंगा, मैं वैसा बन जाऊंगा। बट ये एस्पेक्ट ही नहीं है पेरेंट्स का, लोगों के घर वाले उनके लिए कंसर्न है, तो वो कैसे चाहेंगे कि उनका बेटा किसी भी रैंडम चीज में चला जाए खाली इस बेसिस पे कि वहां पैसा अच्छा है या लाइफस्टाइल अच्छा है। आप अगर आप अपने प्रोस्पेक्ट्स को ये रियलाइज कराओ कि आप अपने पेरेंट्स से बात करो कि आपको यहाँ पे अच्छी संगत मिलेगी, अच्छे लोगों के बीच रहने को मिलेगा, आपकी यहाँ पे कम्युनिकेशन स्किल्स इंप्रोवाइज होगी, आप यहाँ पे अपनी पर्सनैलिटी डेवलप कर सकते हो, तब आप एक चीज सोचो कि कोई भी पेरेंट ऐसा होगा जो ये नहीं चाहता कि उसका बच्चा अच्छी संगत में ना रहे।
कि उनके बच्चों की ये लैंग्वेज डेवलपमेंट या कम्युनिकेशन स्किल्स इंप्रूव ना हो या पर्सनैलिटी डेवलप ना हो। जब अगर हमारा प्रोस्पेक्ट अपने पेरेंट्स को ये तीन पॉइंट सिखाएगा ना, ये तीन पॉइंट पे पिच देगा, तो हमारे प्रोस्पेक्ट के पेरेंट्स भी मानेंगे, हमारा प्रोस्पेक्ट भी मानेगा। Although there will be a still number of average, हमेशा हर कोई कन्वर्ट नहीं होगा, ऐसा एग्जिस्ट ही नहीं करता कि हर कोई कन्वर्ट हो जाए। आज के सिनेरियो में मैम मैं अगर कैलकुलेट करूं तो मेरी टीम में, पता नहीं ये बात बोलनी चाहिए नहीं बोलनी चाहिए, बट 25 लाख लोगों से ज्यादा लोगों को काम दिखाया जाता होगा हर महीने, आई एम श्योर। मतलब इतनी लीड्स पे काम किया जाता होगा लाखों में। अगर वो सारे कन्वर्ट हो जाए तो मुझे नहीं लगता कि पूरे वर्ल्ड में हमें नंबर वन आने में एक दिन से ज्यादा लगेगा, बट ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है ना। एवरेज हमेशा निकलेगी, और जैसे जैसे इंक्रीज होता जाएगा टाइम, जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा वैसे वैसे एवरेज भी कम होती जाएगी, क्योंकि सोशल मीडिया पे अपॉर्चुनिटीज बढ़ती जाएगी, लोगों का प्रेजेंट करने का तरीका बढ़ता जाएगा, लोग देख के और बिजनेसेस में आपके तरीके इंप्लीमेंट करेंगे, तो एवरेज विल डिक्रीज। बट वॉट विल मैटर, जैसे मैम ने बार बार फोकस किया कंसिस्टेंसी पे, दैट कंसिस्टेंसी विल मैटर द मोस्ट। ऑब्जेक्शन भी बढ़ेंगी, एवरेज भी घटेगी, बट आप कंसिस्टेंट रहोगे तो आप सारी अचीवमेंट कर जाओगे। वेरी नाइस कृष्णा, थैंक यू फॉर शेयरिंग दिस विद अस। एक चीज मैं आपसे और पूछना चाहती हूँ, आप बहुत सारे लोगों के साथ आप और आपकी टीम इंटरैक्ट करती है, एंड एवरीबडी इज नॉट द सेम, हर एक इंसान अलग होता है, कोई वेलकमिंग होता है, कोई वेलकमिंग नहीं होता, तो आपके एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग यू नो किस तरीके के लोग हैं जो आसानी से कन्विंस हो जाते हैं, और किस तरीके के लोग हैं जो डिफिकल्ट वे में कन्विंस हो जाते हैं, व्हिच आर डिफिकल्ट टू कन्विंस। आई थिंक आपने जो अभी एक बात बोली थी जो मुझे लगा कि यू नो यू हिट द नेल, कि अप्रोच आपकी बहुत इम्पोर्टेंट रखती है। सो क्या आपका ये आंसर जो आपने अभी दिया था वो इस पॉइंट से रिलेटेड है, या इस पे आप कुछ और कमेंट करना चाहोगे? मैं इस पे भी कुछ और कमेंट करूंगा जरूर। जैसे आपने क्वेश्चन पूछा कि कन्विंस कौन हो जाता है कौन नहीं होता, पहली चीज आप अगर ये सोच के बिजनेस कर रहे हो कि आपने किसी को कन्विंस करना है तो आपकी पहले ही अप्रोच गलत है, मेरा मानना ये है। क्योंकि हमारा बिजनेस आज के टाइम पे फैक्ट डिलीवरिंग का बिजनेस होना चाहिए। मेरे को आज भी याद है मैम, आप बिलीव करो या ना करो, मैं फॉरएवर से बहुत अच्छे अर्निंग्स कर रहा हूँ, बहुत अच्छी, बट मेरे जो डायरेक्ट डाउनलाइंस है ना उनको भी मेरी अर्निंग नहीं पता, क्योंकि ना मैं ये चाहता हूं कि वो मेरी अर्निंग दिख के अपने बिजनेस को बढ़ाए, और अगर उनको नहीं पता तो इट इज क्वाइट ऑब्वियस कि किसी प्रोस्पेक्ट को भी नहीं पता। क्योंकि कन्विंस अगर मेरे को किसी को करना है तो सबसे बढ़िया तरीका है पैसा दिखा दो, बट मेरे को 3 साल हो गए अपनी इनकम्स को रिवील करे हुए, मैं मंथली इनकम कहीं नहीं डालता, और मैं अपनी टीम में भी यही सिखाता हूँ आप अपनी मंथली इनकम कहीं ना डालो, क्योंकि आपका कोई भी ऐसा एक्शन नहीं होना चाहिए जो कन्विंसिंग एक्शन, सामने वाले को ये नहीं लगना चाहिए कि आप उसे कन्विंस कर रहे हो। इनफैक्ट यू हैव टू मेक योर प्रोस्पेक्ट रियलाइज दैट वो आए या ना आए आपको कोई फर्क नहीं पड़ रहा, यू आर डूइंग योर बिजनेस एंड यू विल डू योर बिजनेस रेदर दे ज्वाइन यू और नॉट। अगर गलती से भी हमारे प्रोस्पेक्ट को ये लगता है दैट इट इज ही इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, वो नहीं आएगा तो हमारी सीसी नहीं होगी, जैसे कई लोग एक्टिव सीसीज के लिए फोकस करते हैं और बहुत ज्यादा पुश कर देते हैं प्रोस्पेक्ट को, प्लीज आज ही कर लो आज ही कर लो आज ही कर लो, वो प्रोस्पेक्ट तो कभी नहीं करता क्योंकि आप प्लीज कन्विंस कर रहे हो। आपने कन्विंस नहीं करना, आपने फैक्ट्स डिलीवर करने हैं, एंड सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपने सामने वाले की नीड रियलाइज करके उसकी नीड को डिलीवर करना है। जैसे कई प्रोस्पेक्ट्स हमारे होते हैं जो ट्रैवल से अट्रैक्ट होते हैं, तो आपने उन्हें ये नहीं दिखाना कि फॉरएवर में लाखों रुपए की इनकम पॉसिबल है, उनको मतलब ही नहीं है, उनको मतलब है ट्रिप्स से। तो जो फॉरएवर हमें ट्रिप्स देती है, इंटरनेशनल ट्रिप डोमेस्टिक ट्रिप, आप उन्हें वो दिखाओगे। कई प्रोस्पेक्ट होते हैं जिन लोगों को कोई बहुत बड़ी इनकम नहीं चाहिए, उनको 25-30 हजार रुपए की इनकम चाहिए, और आप उन्हें एग्जांपल दे रहे हो किसी सोरिंग मैनेजर का जिसका चेक 4 लाख 5 लाख रुपए का है, दैट इज रॉन्ग अप्रोच। आप उसे वो दिखाओ कि इस एएस ने आज से 3 महीने पहले ज्वाइन किया था एंड ही इज मेकिंग दिस अमाउंट राइट नाउ, अगर वो 3-4 महीने में इतनी एफर्ट डाल के यहां तक पहुंच सकता है तो इट इज पॉसिबल फॉर यू एज वेल। आप एश्योरिटी तो दे नहीं सकते बट आप उसे एक एग्जाम्पल तो दिखा सकते हो जो नीड उसकी है उसके अकॉर्डिंग। ऑटोमेटिकली अगर आपने उसकी नीड डिलीवर कर दी है तो वो प्रोस्पेक्ट ज्वाइन हो जाए। ये ऐसा नहीं है कि अब हर कोई जिसको मैं ये चीज सिखाता हूं वो आज इंप्लीमेंट करने लग जाएगा,
बट इफ यू आर सीरियस यू विल इम्प्लीमेंट. आज आप जिन लोगों को भी सोरिंग मैनेजर, सीनियर मैनेजर, मैनेजर अपने अपलाइंस को देखते हो, कहीं ना कहीं उन सब लोगों ने इस पॉइंट पे ही वर्क किया है. जब हम किसी को नीड डिलीवर करना सीख जाते हैं, हम अपने प्रोस्पेक्ट को ये डिस्कस कर लेते हैं कि उसे चाहिए क्या, और उसे अगर ये रियलाइज हो जाए जो उसे लाइफ में चाहिए वो यहीं से मिल सकता है, तो आप खुद सोचो वो कहीं जाएगा नहीं जाएगा, तो वो आपके साथ ज्वाइन करेगा ही करेगा. तो रैदर फोकसिंग ऑन ल्योरिंग पीपल्स की लोग आपके साथ ज्वाइन हो जाएं, आप उन्हें कुछ ऐसा दिखाओ कि वो आपके साथ ज्वाइन हो जाए, उन्हें वो दिखाओ जो वो देखना चाहते हैं, दैट्स इट. वो पक्का आपके साथ ज्वाइन होंगे, पक्का ज्वाइन होंगे. राइट, वेरी नाइस. एंड आई थिंक यू नो आपने बहुत ब्यूटीफुली ये बात एक्सप्लेन की है कि प्रोस्पेक्ट की नीड को आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है, रादर देन डेस्परेटली किसी को चेस करना और बताना कि आपकी क्या नीड है उनके ज्वाइन करने से. तो बिल्कुल आई थिंक इट्स वेरी वेरी क्लियर. कृष्णा, आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप एक छोटा सा मॉक प्रोस्पेक्टिंग डेमो दिखा सकते हो. हाँ, जस्ट अ वेरी क्विक वन, जस्ट फॉर ऑडियंसेस अंडरस्टैंडिंग टू ब्रेक द आइस की किस तरीके से अगर वो किसी नए इंसान को अप्रोच करते हैं ऑनलाइन तो किस तरीके से कॉन्वर्सेशन स्टार्ट की जाती है उसके साथ. नहीं बाप, ये प्रोस्पेक्टिंग डेमो मेरे को समझ नहीं आया, किस वे में दिखाऊं मैं? आई एम ऑलरेडी ये हम मान के चलते हैं कि मैं आपको ऑनलाइन मिली हूँ एंड यू नो आपको किसी ने बताया है दैट you know I probably am interested and I'm looking for an income opportunity. आप को अगर मेरे को अप्रोच करना है ऑनलाइन then how would you speak to me? How would you approach? आप किस तरीके से इंटरैक्ट करोगे? मतलब आप ऑनलाइन आपने एक नंबर ड्रॉप किया है मेरे को कि हाँ आप जी इंटरेस्टेड हो और मैं आपको yes कॉल कर रहा हूँ, इज दिस yes द राइट अप्रोच? yes that's नॉट right एन इशू, नॉट एन इशू, आई कैन श्योरली एक्सप्लेन. मैं उल्टा कंफर्टेबल फील करूँ अगर मैं ऐसे फोन पे बात करूँ, चलेगा? या श्योर बिल्कुल थैंक यू. तो मैं आपको कॉल करूंगा, आप कॉल पिक कर लेना. या श्योर. तो फॉर अ रैंडम इंस्टेंस हम बेल भी कर देते हैं, ट्रिंग ट्रिंग. हेलो. हेलो, आई एम टॉकिंग टू सोनिया जी. यस सोनिया जी, कृष्णा दिस साइड, कृष्णा अरोड़ा. हाय, या कृष्णा, हाय. आपने पहचान लिया मुझे? हाँ मैंने पहचाना, मैंने आपको यू नो मैसेज किया था. हाँ जी, तो मैं ये जस्ट उस मैसेज को अभी क्रॉस चेक कर रहा था, मेरे को बहुत सारे मैसेज आए होते तो मैं अभी थोड़ा सा फ्री था, तो मैंने सोचा कि कुछ लोगों को फिगर आउट करके कॉल कर लेता हूँ ताकि आपका भी इंटरेस्ट क्लियर हो जाए और मैं भी जान सकूँ कि आपका एग्जैक्ट इंटरेस्ट क्या है. तो इज दिस द राइट टाइम? या श्योर. हाँ, मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा आपका, 2 मिनट लूंगा बस. मैम, मैं ये जानना चाहता था कि अभी जैसे आपने मेरे को मैसेज किया, तो अभी करंटली आप क्या करते हो और आपने क्या देख के मुझे मैसेज किया? करंटली कुछ नहीं कर रही हूँ. आई एम लुकिंग फॉर समथिंग कृष्णा एज एन अर्निंग अपॉर्चुनिटी. सो मैंने आपका प्रोफाइल देखा था एंड आपकी अचीवमेंट्स देखी, सो दैट्स अ रीजन मैंने आपको मैसेज ड्रॉप किया था. ओके, थैंक यू वेरी मच, कोई प्रॉब्लम नहीं है. आप मतलब अभी आप यू आर फ्री राइट नाउ एंड यू आर लुकिंग फॉर अ इनकम अपॉर्चुनिटी, राइट? जी तो अभी आपकी आप मतलब प्रोफेशनली स्टूडेंट हो या आप जॉब कर चुके हो, क्या बैकग्राउंड है आपका, एक बार बता. नहीं, मैंने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया हुआ है एंड आई एम लुकिंग फॉर अ जॉब. ठीक है, वेरी गुड. देखो पहले तो मैं आपको क्लियर कर दूं, मेरे पास कोई जॉब अपॉर्चुनिटी तो नहीं है, बट हाँ जैसे अभी आप लोग देख रहे होंगे कि ऑनलाइन वर्क फ्रॉम होम का ट्रेंड बहुत चल रहा है, तो आई एम वर्किंग ऑन अ प्लेटफॉर्म जिसके साथ आप भी एसोसिएट होके घर से एक अच्छा बिजनेस बिल्ड कर सकते हो. आप मैं ये तो श्योर नहीं कर सकता कि आप कितना पैसा कमा सकते हो, बट हाँ जैसे मेरे को आपको बात करके लग रहा है कि आप कोई बहुत मेजर अमाउंट के लिए नहीं देख रहे, अभी आप साइड इनकम सर्च कर रहे हो, तो वो पॉसिबल है, आप घर बैठे बैठे कमा सकते हो. तो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो मैं आगे बात करूं? हाँ जी बिल्कुल. चलो बहुत अच्छी बात है. जैसे आपने मेरी प्रोफाइल देखी होगी, उसमें आपने देखा होगा कि अचीवमेंट्स एंड ऑल हैं, वो अचीवमेंट्स तो आपको बहुत ज्यादा समझ नहीं आई होंगी क्योंकि आप उसके लिए नए हो, बट मैं आपको एक ओवरव्यू दूं अगर, तो आप जिस प्लेटफॉर्म की वजह से वो अचीवमेंट्स है, वो प्लेटफॉर्म एक डिजिटल बिजनेस प्लेटफॉर्म है. मैं ऑनलाइन बिजनेस करता हूँ अपना, मेरा मेरा पूरा बिजनेस ऑनलाइन है, और एक ऑर्गेनाइजेशन है यूएस की जिसके साथ मेरा टाई अप है. आपने मार्केटिंग समझा है कि मार्केटिंग क्या होता है? तो हमारा भी मार्केटिंग का ही काम है, हमें कंपनी की प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को प्रमोट करना होता है. जब हम उन सर्विसेज और प्रोडक्ट्स को मार्केट करते हैं तो उस बेसिस पे हमारी इनकम जनरेट होती है. तो ये आप प्रोडक्ट्स जो प्रमोट करते हो ये आप ऑनलाइन करते हो या आपको घर जाके प्रमोट करने पड़ते हैं लोगों को?
मेरा सारा तरीका ऑनलाइन है। मैं आज तक तो किसी के घर गया नहीं हूँ प्रमोट करने के लिए, ना मेरे को लगता है इट इज रिक्वायर्ड एक्शन इन आर बिजनेस। बट जैसे कि आप अभी मार्केटिंग के बारे में थोड़ा अवेयर हो और प्रोडक्ट मार्केटिंग के बारे में भी थोड़ा अवेयर हो गए, तो हमने ना कुछ सेशंस ऑर्गेनाइज कर रखे हैं जो बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए होते हैं। जैसे अभी मैंने आपको बताया मैं बहुत सारे लोगों की इंक्वायरीज आ रखी हैं, अगर मैं सबको कॉल पे पूरा बिजनेस एक्सप्लेन करूंगा तो इट विल टेक अलॉट टाइम। मेरे को कम से कम 30-40 मिनट लगेंगे आपको इंडस्ट्री समझाने में, इंडस्ट्री के बारे में समझाने में। बट कैसा रहेगा कि अगर मैं आपको एक 30 मिनट का सेशन दिखाऊं, जिस सेशन के बेस पे आप बिजनेस का ओवरव्यू भी जान पाओ और आपको पता लग जाए आपकी कप ऑफ टी है या नहीं, या श्योर बिल्कुल बहुत अच्छा रहेगा। तो एक कुछ नहीं करना आपने, देखो जैसे अभी मैं कॉल पे हूँ आपके साथ और मेरे को रैंडमली और बहुत सारी कॉल्स करनी है, एक रिक्वेस्ट रहेगी मेरी आपसे बस कि आप मेरे को व्हाट्सएप पे इसी नंबर को सेव करके व्हाट्सएप पे टेक्स्ट कर दो दैट आई एम इंटरेस्टेड। जैसे ही आपका मेरे को आई एम इंटरेस्टेड का मैसेज आएगा, जो भी हमारा नेक्स्ट सेशन डिजाइंड है उस सेशन का मैं आपको लिंक भेज दूंगा। और मैं आपको पहले ही बता देता हूँ वो सेशन आज 7 बजे और उसके बाद वो सेशन नेक्स्ट वीक होगा। तो आपको मैं इस वाले सेशन के लिए रजिस्टर करूं या नेक्स्ट वीक के सेशन के लिए? आई थिंक आप इसी के लिए कर लीजिए, नहीं तो फिर 1 वीक का पूरा ब्रेक आ जाएगा बीच में। एग्जैक्टली, तभी मैंने सोचा कि मैं आज ही कॉल कर लेता हूं, इसलिए मैंने आज कॉल किया था। चलो बहुत अच्छी बात है, मेरे पास 7 सीट्स थी उसकी, तो 7 में से 1 सीट मैं आपको दे देता हूं आज के सेशन की। आप बस एक रिक्वेस्ट मेरी है कि जल्दी से जल्दी जैसे ही कॉल डिस्कनेक्ट हो मेरे को एक आई एम इंटरेस्टेड का मैसेज भेज देना ताकि मैं आपको रजिस्टर करके आपको लिंक भेज सकूं। चलेगा? श्योर श्योर मैं करती हूँ अभी। थैंक यू वेरी मच। सो इट वॉज नाइस टॉकिंग टू यू, विल श्योरली कनेक्ट। नाइस टॉकिंग टू यू। थैंक यू थैंक यू। मैं अभी मैसेज कर रही हूँ आपको, ठीक है? ओके ओके। ओके थैंक्स। वाओ वेरी नाइस कृष्णा, थैंक यू फॉर शोइंग दिस प्रोस्पेक्टिंग डेमो। एंड आई थिंक आपने बहुत क्लियरली इसमें डिपिक्ट किया कि किस तरीके से आपका जो प्रोस्पेक्ट है, आप उसकी जरूरत को समझते हुए विदाउट बीइंग पुशी उसको उसकी नीड के हिसाब से एक अपॉर्चुनिटी शोकेस करो। बिल्कुल। और मैम, मैं थैंक्स इस कॉल से 3 पॉइंट जरूर हाईलाइट करना चाहूंगा, कर सकता हूँ? पहला जी, बिल्कुल बिल्कुल कि मैंने बोला कि आप मुझे मैसेज करो, उससे पहले मैंने बोला मेरा नंबर सेव करो। जब भी आप मेरा नंबर सेव करोगे देन इट इज ओनली पॉसिबल कि जो मेरे फ्यूचर व्हाट्सएप स्टेटस होंगे वो आपको दिखे। अगर आप आज कन्वर्ट नहीं भी होते तो फ्यूचर में आप मेरी स्टोरीज देख के हो सकता है पैसिवली कन्वर्ट हो जाओ, दैट इज बिल्कुल वेरी इंपॉर्टेंट इन आर बिजनेस। सेकेंड पॉइंट, इसके अलावा मैंने बोला आप मुझे मैसेज करो, जैसे मैंने अपनी स्टार्टिंग इंटरव्यू में बताया था कि जब प्रोस्पेक्ट हमें खुद मैसेज करता है तो उसको हमारी वेटेज लगती है। ऑल्दो मैंने अभी आपको कॉल करी थी बट जब आप मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज करोगे तो इट शोज योर नीड, तो मैं आपको भेजूंगा तो वो बहुत ईजी रहेगा। तीसरा, मैंने आपको पहले ही एक बहुत बड़ा गैप दे दिया कि या तो मैं अगले हफ्ते दिखा पाऊंगा या तो मैं आज दिखा पाऊंगा, तो आपने अपने आप ही बोला कि मेरे को इतना हफ्ते का पूरा गैप नहीं देना, वो बहुत बड़ा गैप हो जाएगा, तो आप मेरे को आज ही के लिए रजिस्टर कर दो। और एक लास्ट पॉइंट, मैंने उसमें भी एक अर्जेंसी डाल दी कि आज का सेशन ताकि आप देखो ही देखो। कई बार ये भी होता है कि हम इनवाइट तो कर लेते हैं बट प्रोस्पेक्ट अटेंड नहीं करता, बट मैंने उस पॉइंट को पहले काउंटर कर दिया कि मेरे पास 7 ही स्लॉट थे आज के, जिसमें से 1 सीट मैं आपको दे देता हूं ताकि आपका कंफर्म हो जाए। तो ये अगर हम 4-5 बेसिक पॉइंट्स अपनी कन्वर्सेशन में अपनी कॉल्स में ऐड कर देते हैं जितने भी लोग आज मुझे सुन रहे हैं, तो आई एम श्योर आप लोगों की कॉल का कन्वर्जन रेशियो काफी बढ़ सकता है। राइट। सो कृष्णा, आपके सेशंस हर डे होते होंगे जो आप करते हो, पर क्योंकि आप एक अर्जेंसी क्रिएट करना चाह रहे थे तो आपने आज का और उसके बाद 1 वीक का टाइम वहां पे दिखाया। इज इट दैट, इज इट हाँ जी, ट्रू? हर डे नहीं होते, ऑल्टरनेट डेज पे होते हैं, बट ओके ये इसलिए दिखाया था ताकि टाइम लगे, गैप लगे। ओके ग्रेट, थैंक यू। कृष्णा, मैं आपसे एक चीज और पूछना चाहती हूँ, दैट यू नो ऑनलाइन बिजनेस को बहुत सारे लोगों ने ट्राई किया, बहुत लोग सक्सेसफुल भी हुए और बहुत लोग उतना सक्सेसफुल भी नहीं हो पाए इस बिजनेस के अंदर। काफी लोगों को लगता है दैट ऑनलाइन के माध्यम से आप बहुत सारे लोगों को रीच आउट कर सकते हो, जैसे कि आपने अभी बोला था, और बहुत सारे लोगों को लगता है कि ऑनलाइन से तो बिजनेस हो ही नहीं सकता, दे फील इट डजंट वर्क। आप ऐसे लोगों को क्या एडवाइस देना चाहोगे? देखो, पहले तो हमें कभी भी अपनी थॉट्स पे स्टबल नहीं होना चाहिए, हमें जिद्दी नहीं होना चाहिए, स्टबल नहीं होना चाहिए अपनी थॉट्स पे। अगर हम आज मैम जितने भी टॉप नेटवर्कर्स हैं पूरे वर्ल्ड के देखें, कोई भी ऐसा नहीं है जो ऑनलाइन बिजनेस नहीं कर रहा, कोई राइट भी ऐसा नहीं है जो ऑनलाइन बिजनेस नहीं कर रहा। दैट दैट प्रूव्स द फैक्ट दैट ऑनलाइन बिजनेस से काम तो होता है।
अगर मैंने किया और लोगों ने किया तो होता है, मतलब होता है, इसमें कोई फैक्ट नहीं है कि नहीं होता, तो हमें इस ओपिनियन को चेंज करना चाहिए। दूसरा, जो लोग सक्सेसफुल नहीं हो पाते मैम, उनका कुछ रीजन रहता है। पहली चीज, ऑनलाइन बिजनेस एक ऐसा बिजनेस है जो अट्रैक्शन मार्केटिंग का बिजनेस है। आप लोगों को अट्रैक्ट कर पा रहे हो तब आप लोगों को कन्वर्ट कर पाओगे। तो अगर आप लोगों को अट्रैक्ट करना है तो मैंने आपको एक पॉइंट बोला, उनको वो दिखाओ जो उन्हें देखना पसंद है, अच्छा ये मत दिखाओ जो आपको दिखाना पसंद है। आपका बिजनेस बढ़ेगा। दूसरा, ऑनलाइन बिजनेस में भी बहुत इंपॉर्टेंट है कंसिस्टेंसी। अगर बहुत सारे लोग, बहुत सारे क्या, आई एम श्योर 99% लोग जो आज इस इंटरव्यू को देख रहे हैं वो मेरे को सोशल मीडिया पे फॉलो करते होंगे, तो आप लोग भी देखते होंगे। आज मेरे को कोई जरूरत नहीं है, मैं सोशल मीडिया पे एक्टिव रहूं, टचवुड मेरे पास बहुत सारी अचीवमेंट है, बहुत अच्छी इनकम है, कि मैं अगर एक्टिविटी को कम भी कर दूं तब भी मेरा बिजनेस बढ़ना ही है, क्योंकि मेरे पास एक टीम स्ट्रेंथ बहुत बड़ी है। बट तब भी मैं रोज स्टोरीज डालता हूँ, मैं रोज अगर ऑफिस में हूँ ऑफिस की स्टोरी डाल रहा हूँ, बाहर हूँ बाहर की स्टोरी डाल रहा हूँ, मैं काम कर रहा हूँ काम की स्टोरी डाल रहा हूँ, मैं रात को 3 बजे स्टोरी डाल रहा हूँ। क्यों? क्योंकि आई वॉन्ट टू एंगेज विद माई ऑडियंस कंसिस्टेंटली। अगर लोग मेरे को बार बार देखेंगे तो मैं उनके दिमाग में फीड हो जाऊंगा कि हाँ ये पर्सन एग्जिस्ट करता है, तो कभी ना कभी तो उनका भी मन करेगा मेरे साथ बिजनेस करने का, एंड इट इज डैम श्योर। तो आप लोगों के लिए भी यही रिकमेंडेशन है कि यू नीड टू बी कंसिस्टेंट। ट्रस्ट करो, ऑनलाइन बिजनेस होता है, और ऑनलाइन ही सबसे बड़ा बिजनेस हो सकता है। अभी तक तो हम ये बोलते आते थे मैम कि ऑनलाइन इज फ्यूचर, ऑनलाइन इज फ्यूचर, बट मैं इस बात को आज डिनाई करता हूं, ऑनलाइन इज नो मोर फ्यूचर, इट इज प्रेजेंट। आपको आज ही ऑनलाइन बिजनेस के बारे में सीखना पड़ेगा, ऑनलाइन बिजनेस करना पड़ेगा, तभी आपका बिजनेस बढ़ेगा, वरना नहीं बढ़ेगा। आप इस बात को एक्सेप्ट करो प्लीज। ऑलराइट, थैंक यू कृष्णा. मेरा अगला क्वेश्चन आपके आंसर से लिंक था. एक पार्ट है जो उसका मैं फिर भी पूछना चाहूंगी. मेरा अगला क्वेश्चन था कि जब आप ऑनलाइन बिजनेस करते हो तो कुछ डूज एंड डोंट्स होते हैं. डूज आपने अभी बताए, डिफाइन किए, बट जब आप ऑनलाइन बिजनेस करते हो तो क्या ऐसी चीजें हैं जो आपको नहीं करनी है? व्हाट आर द डोंट्स व्हिच यू वुड रिकमेंड टू द ऑडियंस? आज के सिनेरियो के हिसाब से जो डोंट्स हैं, वो सबसे बड़ा डोंट है शो ऑफ। बहुत सारे लोग क्या गलती करते हैं ऑनलाइन बिजनेस में, वो शो ऑफ करते हैं। मैं अपने एक एग्जांपल से बताता हूँ आपको। हम नेटवर्क मार्केटिंग में तो ये शुरू से ही कल्चर रहा है कि जो दिखता है वो बिकता है, हमें दिखाना पड़ता है अपनी अचीवमेंट्स को, अपनी चीजों को, अपनी परचेजेस को, सब कुछ दिखाना पड़ता है, एंड इट इज नॉट इनकरेक्ट, एथिकली सही है मेरे हिसाब से, करना चाहिए वो भी करो, बट आप लोग लिमिटेड करो। बहुत सारे लोग होते हैं, कई बार मैंने देखा है कि हम AS लेवल के लोगों को देखते हैं और वो एक ही साथ अपने सोशल मीडिया पे अपने 10 अपलाइन की कार अचीवमेंट को फ्लॉन्ट कर रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे। रैदर आप उन 10 अचीवमेंट को फ्लॉन्ट करने से अच्छा अपनी एक 10 सेकेंड की वीडियो बना के डालो कि मैं ऐसे ऐसे चीज कर रहा हूं, या कोई भी एक मोटिवेशनल कोट बना के डालो जिससे सामने वाले को लगे कि आप इंप्रोवाइज हो रहे हो, आप कम्युनिकेट करना सीख रहे हो। एक दिखा दो दिखा दो, ज्यादा मत दिखाओ। आज के टाइम पे मैं सच बता रहा हूं, मैंने अभी थोड़ा टाइम पहले एक बहुत अच्छी कार परचेज करी थी, आप सबको पता होगा, रेंज रोवर परचेज करी थी मैंने। आई स्वेयर टू गॉड, मेरी टीम को भी नहीं पता था कि मैं गाड़ी लेने गया। मेरी टीम के मेरे को कॉल आ रहे थे, मेरे फ्रंट मैनेजर्स के, सोरिंग मैनेजर्स के मेरे को कॉल आ रहे थे कि भाई मिलना था। मैं बोल रहा था कि हाँ मैं अभी आधे घंटे में ऑफिस पहुंच रहा हूँ, फिर मिलता हूँ, जबकि मैं शोरूम में था। मैंने खुद सोच रखा था कि मेरे को बहुत ज्यादा हाइप नहीं बनानी, ऑल्दो हमारी टीम भी, मैं भी कई बार हाइप बनाता हूँ, कई लोगों की अचीवमेंट होती है हाइप बनाता हूँ। एक अचीवमेंट की हाइप बनाओ एक दिन में, बार बार शो ऑफ मत करो। दूसरी चीज, कंसिस्टेंसी को फॉलो करो, ये डूज में आ गया, बट किस चीज की कंसिस्टेंसी? आपको पोस्ट करने की, कंटेंट डालने की कंसिस्टेंसी को फॉलो नहीं करना। बहुत सारे लोग ये सोचते हैं मैम कि अगर हमें सोशल मीडिया पे ज्यादा एंगेजमेंट चाहिए, ज्यादा रीच आउट करना है, तो हम लोगों को पोस्ट रोज करनी है, रील रोज डालनी है। इट इज गुड, इट इज ऑल्सो गुड, बट इट इज नॉट कंपल्सरी, क्योंकि सोशल मीडिया की ग्रोथ में नंबर ऑफ फॉलोअर्स इंक्रीज होने से ज्यादा जो मैटर करता है वो अपने एग्जिस्टिंग फॉलोअर्स का रिटेंशन है, और फॉलोअर्स रिटेन आपकी पोस्ट और रील देख के नहीं होते, वो आपकी स्टोरी देख के होते हैं। ये बहुत बड़ा पॉइंट है जो मैं आज डिस्क्लोज कर रहा हूं, जो मैं एक्सक्लूसिवली अपने ही कुछ लोगों को बताता हूं, बट मैं चाहता हूं कि आप सब भी इस पॉइंट पे इंप्लीमेंट करो। आप अगर स्टोरीज पे एक्टिव हो तो जो आपके एक्टिव फॉलोअर्स हैं वो आपको कभी भी छोड़ के नहीं जाएंगे, और इंस्टाग्राम का एल्गोरिदम इस तरीके से वर्क करता है कि अगर आपके लोग आपके साथ हैं तो आपकी प्रोफाइल को इंस्टाग्राम नए लोगों पे भी पुश करता है, ऑटोमेटिकली रीच बढ़ती है।
तो इस चीज का ध्यान रखो, रैदर फोकसिंग ऑन ओनली पोस्ट, फोकस ऑन स्टोरीज एज वेल, स्टोरीज पे दिखाओ। और सबसे बड़ा डोंट, कोई भी ऐसा कंटेंट शेयर मत करो जो रिलीजियस हो, या मतलब एक पर्टिकुलर रिलीजियस के फेवर में हो, या एक पर्टिकुलर कास्ट के फेवर में हो। आपकी ऑडियंस किसी भी कास्ट, किसी भी रिलीजन की हो सकती है। जब फॉरएवर कोई डिफरेंशिएट नहीं करता किसी भी कास्ट, किसी भी रिलीजन में, तो आपने क्यों करना है? हम सबको अपने रिलीजन से प्यार होता है, वो प्यार हमारे पास है ना। हमें एक पर्टिकुलर, और स्पेशली चलो आप अपने रिलीजन से फेवरिंग कंटेंट शेयर कर रहे हो, दैट इज गुड, एवरीवन शुड रिस्पेक्ट, एवरीवन शुड प्रमोट देयर रिलीजन। बट गलती से भी किसी और रिलीजन के अगेंस्ट, या किसी और कास्ट के अगेंस्ट, या किसी कॉन्ट्रोवर्शियल कंटेंट को आप अगर हेटरेड के वे में अपने सोशल मीडिया पे पोस्ट कर रहे हो, तो इट इज वेरी बैड, वेरी वेरी बैड। आपकी इमेज आपके लोगों में भी खराब हो रही है, दूसरे लोगों में भी खराब हो रही है। तो इन चीजों का ध्यान रखोगे तो आई एम श्योर कि आपका बिजनेस बढ़ेगा ही बढ़ेगा, आपका सोशल मीडिया का बेस भी बढ़ेगा ही बढ़ेगा। और एक और चीज बताऊं, आज के इंटरव्यू में तो सब नहीं जान पाओगे, बट सबसे इंपॉर्टेंट होती है सेल्फ लर्निंग। आप यूट्यूब खोलोगे ना, आपको लाखों चीजें मिलेंगी, लाखों, आप लाखों चीजें सीख सकते हो। आप चाहे मेरा नाम सर्च करके मेरी ट्रेनिंग सीख सकते हो, इतने बड़े बड़े ट्रेनर्स ऑनलाइन अवेलेबल है, किसी से भी सीखो। सीखने के यूट्यूब पे कोई पैसे नहीं लगते, टाइम लगता है। टाइम आप अपने आप पे डिसाइड कर सकते हो, आपने किस चीज को कितनी प्रायोरिटी देनी है। मैंने पर्सनली सेल्फ लर्निंग पे बहुत फोकस किया है, मैंने रात रात जाग जाग के ट्रेनिंग्स देखी है, तभी मैं आज ट्रेनिंग दे पा रहा। तो आपने भी इसी चीज पे फोकस करना है, सीखोगे तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ इंप्लीमेंट करके रिजल्ट निकालोगे, निकालो। थैंक यू। That's very true actually, Krishna, that learning कभी end नहीं होती, and I think every day is a new day and new learning for everybody. And मैं भी ये मानती हूँ कि जो इस चीज को जिस चीज पे विश्वास करता है वो हमेशा आगे बढ़ता है, because you know you are learning new things from experiences from people, and that's what keeps you going. Very nicely said. कृष्णा, एक सवाल जो बार बार लोगों लोग पूछते हैं और दिमाग में आता है वो ये है कि क्या कोई आइडियल नंबर होता है कि जब आप ऑनलाइन प्रोस्पेक्टिंग करते हो तो एक दिन में आप कितने लोगों को अप्रोच कर सकते हो, अगर आप फुल टाइम हो और अगर आप एक पार्ट टाइमर हो, अप्रोक्सीमेटली हाउ मेनी पीपल कैन यू अप्रोच इन अ डे, जो आइडियल बिल्कुल नंबर बिल्कुल, है, और आपका रिजेक्शन रेट कितना होता है उसमें से, बिकॉज बहुत सारे लोग बहुत ओवरवेल्म हो जाते हैं, घबरा जाते हैं. यू नो डायरेक्ट सेलिंग में कहावत है, नो नो मीन्स नेवर, इट मीन्स इफ एवर, राइट? सो लॉट ऑफ पीपल थिंक दैट नो का मतलब होता है नेवर, और वो वहीं पे अपना फॉलो अप क्लोज कर देते हैं. सो मैं आपसे जानना चाहती हूँ, आइडियली एक फुल टाइमर कितने लोगों को प्रोस्पेक्ट कर सकता है एक दिन के अंदर, और एक पार्ट टाइमर कितनों को अप्रोच कर सकता है? बिल्कुल। मैं आपकी पहले नो वाली बात से कंटिन्यू करूंगा। मेरी टीम का एक कल्चर है जो यहाँ पे भी बहुत सारे लोग फॉलो कर सकते हैं। जब भी हमें कोई प्रोस्पेक्ट रिजेक्ट करता है ना, हम एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट क्रिएट करने के लिए एक पोस्टर बना रखा है, नो मीन्स नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी। और हमारे जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप्स है ना, उसमें वो पोस्टर आने लग जाता है। किसी को भी रिजेक्शन आती है तो वो अपने आप को मोटिवेट करने के लिए और अपने ग्रुप को मोटिवेट करने के लिए उस ग्रुप में सेम मोमेंट पे वो पोस्टर डालता है, नो मींस नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी। तो मैम ने बिल्कुल सही बोला कि आप हमेशा एक नो को नेक्स्ट या न्यू अपॉर्चुनिटी की तरह ही कंसिडर करो। अपना फॉलो अप भी क्लोज मत करो, और रेदर फॉलो अप आप अपने और लोगों को अप्रोच करना भी क्लोज मत करो। फियर ऑफ रिजेक्शन से हमेशा दूर रहो। और दूसरी चीज, बिल्कुल मैम, एवरेज नंबर तो जरूर है, हमेशा हर काम में एवरेज होती है। और मैं ये नहीं बोलूंगा कि पार्ट टाइम या फुल टाइम कितने कॉल कर सकता है, ये हर बंदे पे पर्सनली डिपेंड करता है। मैंने कई पार्ट टाइम वाले लोगों को 100 100 कॉल करते देखा दिन में, कई फुल टाइम वाले लोगों को 30 30 कॉल करते देखा दिन में। जो जितनी प्रायोरिटी देगा वो उतना काम कर सकता है, यही बोलता हूं मैं तो। जितना आप कर सकते हो आप उतना करो। आपको रात को सोते हुए ये लगना चाहिए दैट यू हैव गिव योर बेस्ट, आपने अपना बेस्ट दिया आज, आपको रिग्रेट नहीं होना चाहिए। बट एक एवरेज में बताऊं अगर आपको, जब आप किसी को इंट्रोड्यूस करते हो बिजनेस से, आप हमेशा दो पार्ट में डिवाइड करके चला करो, इंट्रोडक्शन एंड क्लोजिंग में फॉलो अप भी आ जाता है। जब आप किसी को इंट्रोड्यूस करते हो तो जो मैंने ऑब्जर्व किया है टीम में, नंबर अगर हमारी टीम 50 लोगों को अप्रोच कर रही है इंट्रोड्यूस करने के लिए, कि 50, जैसे आपको मैंने कॉल करके डेमो दिखाया था, वैसे 50 लोगों को अप्रोच किया जा रहा है कॉलिंग करके डेमो दिखाने, ये काम समझाने के लिए, तो 50 में से 20 लोग आपका काम समझने के लिए राजी हो जाते हैं। 50 में से 20 से 25 लोग काम समझने के लिए राजी हो जाते हैं। दो चार सेशन में नहीं पहुंचते तो ऑटोमेटिकली वो नंबर कम्स टू 20।
आप अगर 50 लोगों को अप्रोच कर रहे हो तो 15 से 20 लोग आपके सेशन को अटेंड करते हैं, और उसके बाद हर फॉलोअप पे नंबर कम होता जाता है। यहाँ पे आती है स्किल्स, जिसकी स्किल्स ज्यादा उसका नंबर बढ़ेगा, बट एक कॉमन एएस के लिए, एक एवरेज स्किल्ड पर्सन के लिए, अगर मैं एक एवरेज बताऊं तो अगर आप 15 लोगों को सेशन दिखा के एक से दो लोगों की भी बिलिंग करा पा रहे हो, एक से दो लोगों की भी बिलिंग करा पा रहे हो, मतलब 10% कन्वर्ट कर पा रहे हो, तो इट इज ग्रेट नंबर। यू डोंट हैव टू गिव अप। बाय द टाइम योर स्किल विल इंप्रोवाइज, बाय द टाइम योर प्रैक्टिस विल इंप्रोवाइज, आपका ये नंबर बढ़ जाएगा। मेरी एवरेज जो मैंने ऑब्जर्व करी है टीम में वो यही है, 50 लोगों को हम बोलते हैं अपनी टीम में कि आपका टारगेट होना चाहिए, इफ यू वांट टू सक्सीड, आपको जल्दी सक्सेस चाहिए, आपको लेवल अप करना है, आपका टारगेट होना चाहिए, आप जब भी इनविटेशन सेशन के लिए कॉलिंग कर रहे हो, बीओपीपी के लिए कॉलिंग कर रहे हो, 50 कॉल होनी चाहिए, चाहे एक दिन लगे चाहे 2 दिन लगे, उसमें से आपके 20 के लगभग लोग बैठने की कोशिश होनी चाहिए, 15 तो बैठ ही जाएंगे, 15 में से आफ्टर एवरी राउंड ऑफ फॉलोअप, चाहे एक दिन का फॉलोअप ले रहे हो, चाहे 2 दिन का फॉलोअप ले रहे हो, चाहे 3 दिन का फॉलोअप ले रहे हो, एट लास्ट दो लोगों की बिलिंग होनी चाहिए। ज्वाइनिंग तो 15 में से 10 कर लेंगे, ज्वाइनिंग तो फ्री है, बट दो लोगों की बिलिंग होनी चाहिए, होनी ही चाहिए। आपके फॉलोअप को आप इम्प्रोवाइज करोगे तो वो 4 भी हो जाएगी, बट 2 की तो एक एवरेज ओरिएंटेड बिलिंग निकल ही जाती। थैंक यू कृष्णा फॉर दिस रिस्पॉन्स। आई थिंक ये बहुत सारे लोगों के लिए बेनिफिशियल होगा और उनको कॉन्फिडेंस दिलाएगा, क्योंकि कई बार बहुत जब नंबर्स ड्रॉप होने लगते हैं या बहुत ज्यादा नो सुनने को मिलता है या रिस्पॉन्सेस नहीं मिलते, तो बहुत सारे लोग अपने आप को होल्ड बैक करते हैं। सो आई थिंक दिस विल बी रियली वेरी हेल्पफुल फॉर एवरीबडी। कृष्णा, मेरा लास्ट क्वेश्चन जो मैं आपसे पूछना चाहूंगी वो ये है दैट आपने ऑफलाइन बिजनेस भी किया है और आप ऑनलाइन भी करते हो। क्या कॉमन फियर्स होते हैं लोगों के जो उनको होल्ड बैक करते हैं ऑनलाइन बिजनेस करने से? इतना होल्ड बैक करते हैं कि उनको लगता है कि ऑनलाइन से वो अपना बिजनेस को डेवलप नहीं कर पाएंगे और वो बीच में ही गिव अप कर देते हैं। ऐसे लोगों को आप क्या मैसेज देना चाहोगे? सबसे कॉमन फियर, चाहे वो ऑफलाइन बिजनेस हो चाहे वो ऑनलाइन बिजनेस हो, दोनों में मैटर जो करता है ना, वो हमेशा मैंने फॉरएवर की ट्रेनिंग में सुना है, दुनिया का सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। हम ऑफलाइन भी लोगों से शर्माते रहे हैं, हम बिजनेस नहीं कर पाए, जो लोग इस फियर से कि लोग क्या सोचते हैं उस फियर से ओवरकम कर गए, वो ऑफलाइन के टाइम पे भी सक्सेसफुल हुए हैं। ऑफलाइन के टाइम पे क्या किसी ने इतनी बड़ी बड़ी अचीवमेंट नहीं करी? करी है। ऑफलाइन के टाइम पे लोगों ने इतने बड़े बड़े लेवल्स करे हैं, चेयरमैन बोनसेस करे हैं, बड़ी बड़ी सीसीज करी हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने फियर्स को ओवरकम करा था। और आज ऑनलाइन के टाइम पे भी कई लोग ऑनलाइन आते हैं, बिजनेस स्टार्ट करते हैं, बट 4 पोस्ट 5 स्टोरी 5 रील डाल के डर जाते हैं। उन्हें लगता है कि लोग क्या सोच रहे होंगे, स्पेशली जो एज लोग होते हैं उनके दिमाग में ये आ जाता है कि हम इतने बड़े हैं कि हम अगर आज सोशल मीडिया पे पोस्ट डाल रहे हैं तो लोग क्या सोचेंगे। पहली बात, एज इज जस्ट अ नंबर। मैंने 70 70 साल के लोगों को सोशल मीडिया से बिजनेस करते हुए देखा है, नॉट ओनली नेटवर्क मार्केटिंग, अदर बिजनेसेस एज वेल। अभी आज के टाइम पे इंडिया में शार्क टैंक इज वेरी फेमस, मैं अभी देख रहा था थोड़े दिन पहले, उस पे 75 ईयर्स के ओल्ड एज अंकल आए थे जिन्होंने इतना बड़ा ऑनलाइन ब्रांड क्रिएट कर दिया। इफ ही कैन डू इट, व्हाई कांट यू? दूसरी चीज, 18 साल के भी बच्चे हैं जो ऑनलाइन बड़ा बड़ा बिजनेस कर रहे हैं। तो एज इज जस्ट अ नंबर। यू हैव टू फोकस एंड यू हैव टू लेट इट गो कि लोग क्या सोच रहे हैं, जस्ट डू इट। एक बार अगर आपने कर लिया, एक बार अगर आपने हिट मार दिया करने का, तो आई एम डैम श्योर योर बिजनेस विल इंक्रीज। आई एम डैम श्योर, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि आपका बिजनेस नहीं बढ़ेगा। टाइम लगेगा, हो सकता है टाइम लगे, किसी को 1 महीने में सोशल मीडिया से रिजल्ट आ जाए, किसी को 1 साल में नहीं आता, बट आएगा जरूर। इनफैक्ट आई हैव सीन पीपल इन माय बिजनेस, इन माय टीम, मेरे फ्रंट में भी ऐसे लोग हैं। सच में ऐसा नहीं कि कृष्णा उड़ाऊं तो किसी को भी कहीं पे भी पहुंचा दूंगा। मेरे फ्रंट में भी ऐसे लोग हैं जिनको 2 2 साल लगे हैं सुपरवाइजर बनने में, और मेरे फ्रंट में ही मैम ऐसे भी लोग हैं जो 6 6 महीने में मैनेजर बन जाते हैं। एवरीथिंग टेक्स टाइम, बट जिसने गिव अप नहीं किया वो आज सक्सेसफुल हो रहा है, दैट मैटर्स द मोस्ट। आपने भी गिव अप नहीं करना, कंसिस्टेंट रहो, सोशल मीडिया पे आओ, डरो मत, सोशल मीडिया पे आओ, सोशल मीडिया पे बिजनेस बढ़ेगा ही बढ़ेगा। ऑलराइट, थैंक यू कृष्णा, थैंक यू सो मच। आज आपने अपने एक्सपीरियंसेस को शेयर किया, बहुत सारे टिप्स को हमारे ऑडियंस के साथ शेयर किया, एंड आई एम श्योर हम में से बहुत सारे लोग होंगे हु वुड ट्राई टू ओवरकम देयर फियर्स।
आज ज्यादा कॉन्फिडेंट फील कर रहे होंगे, ज्यादा एम्पावर्ड फील कर रहे होंगे और एक जरूर ट्राई देना चाहेंगे यू नो टू अडॉप्ट ऑनलाइन एज अ वे ऑफ बिजनेस, अपने बिजनेस को एक्सपैंड करने के लिए, अपना रीच बढ़ाने के लिए. सो थैंक यू कृष्णा वेरी मच. एंड आई फील आपको देख के यू नो दिस कोट विच सेज दैट इफ योर ड्रीम्स डोंट स्केयर यू दे आर टू स्मॉल. सो आई थिंक आप एक लाइव एग्जाम्पल हो बड़े सपने देखने का और उनको पूरा करने का. एंड आई थिंक ये इंस्पिरेशन हमारे ऑडियंसेस को भी गई होगी. आई एम श्योर आप सब ने भी आज बहुत बेनिफिट किया होगा, बहुत कुछ सीखा होगा आज के सेशन से. एंड बहुत सारे लोग होंगे जो आज कॉन्फिडेंस गेन करेंगे ऑन कंडक्टिंग ऑनलाइन बिजनेस. थैंक यू एंड वी विश यू ऑल द वेरी बेस्ट कृष्णा, विश यू लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ सक्सेस. थैंक यू फॉर शेयरिंग योर एक्सपीरियंसेस. थैंक यू. Thank you very much, थैंक ma'am, यू. for inviting me. Thanks a lot. थैंक यू.